चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एफिडेविट में कहा चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे दी गई है। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के सीरीज नंबर का डेटा दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा साइबर सिक्योरिटी को लेकर बैंक खातों की डिटेल सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरीज नंबर का डेटा किया जारी, वेबसाइट पर जारी जानकारी अपलोड की। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की सीटों पर मंथन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 7 राज्य के 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के नामों का भी ऐलान। कांग्रेस ने यूपी की 8 सीटों पर तय किए उम्मीदवार, वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम फाइनल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा पार्टी जो भी फैसला करेगी उसे स्वीकार करूंगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के कई नेता अधीर रंजन चौधरी से नाखुश, उम्मीदवारों की सूची नहीं दी जाने पर चिंता व्यक्त की। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, गुना सीट से अरुण यादव होंगे प्रत्याशी, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजय निरुपम की मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की मांग को एमवीए ने ठुकराया, कुछ दिनों में कांग्रेस छोड़ सकते हैं निरुपम, सूत्रों से यह खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा 2 दिन में फाइनल कर लेंगे सीट शेयरिंग, कुछ विवाद है हम सुलझा लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महाविकास अघाड़ी में कोई किसी के साथ नहीं। कल होने वाले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द, अब 23 मार्च को होगी सीईसी की मीटिंग। तमिलनाडु की 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित, चेन्नई साउथ से पूर्व गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को दिया गया टिकट। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से बनाया गया प्रत्याशी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई कोयंबटूर से लड़ेंगे चुनाव। मेनका गांधी को फिर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना तय, सूत्रों से खबर, सुल्तानपुर से फिर मेनका को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। अमित शाह से मिले फतेह जंग बाजवा, गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी को परिवारवाद से नहीं बल्कि उन परिवारों से दिक्कत जो उनका विरोध करते हैं। चिराग पासवान, राज ठाकरे क्या परिवारवाद की निशानी नहीं। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, कहा जम्मू कश्मीर में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने बागडोर नई पार्टियां बनाई। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश की सीधी सीट से भरा पर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया अपना नामांकन, कहा नगीना के लोग हमारे साथ, यहां हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने किया नामांकन, पश्चिम बंगाल की कोचबिहार सीट से बीजेपी ने फिर से बनाया उन्हें अपना उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल के कोचबिहार में फिर भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, उदयन गुहा और निशित प्रमाणिक के समर्थकों में हुई झड़प। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका, प्रहलाद ने थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी करवाई ज्वाइन।
बीजेपी के दरवाजे पर पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक, दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग ने मुलाकात की, बीजेपी के विज्ञापन के खिलाफ की शिकायत। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का नारा जो हमें देगा चंदा उसे हम देंगे धरना। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने चलाया जनसंपर्क अभियान, टीएमसी ने बनाया है यहां से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के भाई को चुनाव आयोग ने एसपी पद से हटाने के दिए निर्देश, सीएम के भाई सुशांत बिस्वा सरमा सोनितपुर के एसपी हैं।